नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड न्यूज में आपका स्वागत है। आज देव दीपावली है और हम आपको ले चलते हैं सीधे वाराणसी। इस दिन वाराणसी शहर देवताओं के शानदार निवास के रूप में प्रकट होता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के बनाई जाती है और आप देख सकते हैं शंखनाद करके देवताओं के आगमन का, देवताओं के स्वागत की तैयारी हो चुकी है। वो तो ज्यादा लग रहा है। दिवाली को देवताओं की दिवाली कहते हैं। ये हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। तुमेव विद्या द्रविणम् तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। इस दिन दीप जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीप जलाने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बहुत पुण्य होता है। देव दिवाली पर दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन धरती पर देवता गण आते हैं और सभी के दुखों को दूर करते हैं। देव दिवाली पर गंगा घाटों का विशेष महत्व होता है। देव दिवाली की परंपरा मुख्य रूप से वाराणसी से जुड़ी हुई है। इस दिन वाराणसी शहर देवताओं के शानदार निवास के रूप में प्रकट होता है। आज आप देख सकते हैं वाराणसी में किस तरीके से देवताओं के स्वागत की तैयारी हो रही है। कहते हैं पूरा देवलोक आज के दिन वाराणसी में उतरता है और सभी श्रद्धालु इसी आस में गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पूरा वाराणसी शहर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। आपके पास हम वाराणसी से सीधा प्रसारण पहुंचा रहे हैं। सभी देशवासियों को ए टू जेड न्यूज परिवार की ओर से देव दीपावली की शुभकामनाएं।